बरसाते मौसम प्यार का इस शो को शुरुआत से ही बेहद पसंद किया जा रहा है। दर्शक इसके लेटेस्ट एपिसोड के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। अभी शो का लेटेस्ट एपिसोड टेलीकास्ट कर दिया गया है, जहां पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से रियांश लांबा की वजह से आराधना का वीडियो सभी न्यूज चैनलों पर वायरल हो गया, जिसके बाद आराधना के पापा ने आराधना को घर से बाहर निकाल दिया था और साथ ही उसे ये भी बता दिया कि आराधना सहानी उसकी बेटी नहीं है बल्कि उसकी माँ की दोस्त की बेटी है, जो उसे पैदा होते ही उसकी माँ के पास छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद आज के एपिसोड में दिखाया गया कि आराधना अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मैंग को ढूंढती है, लेकिन मैंग फरार होता है। जिसके बाद जब आराधना, विक्रम और पूजा मैंग को ढूंढने उसके घर जाते हैं तो पता चलता है कि वो वहां भी नहीं है, और ये भी पता चलता है कि मैंग शादीशुदा है और उसकी बीवी है। जिसके बाद वो उसकी बीवी को मैंग की सच्चाई बताते हैं, लेकिन वो साथ मिली होती है और ये नहीं बताती है कि मैंग कहाँ है, और पुलिस की धमकी देके सबको भगा देती है। जिसके बाद पूजा उसकी गाड़ी पे टैकर लगा देती है और उसकी बीवी का पीछा करती है। पीछा करते करते आराधना, विक्रम और पूजा उसके पीछे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उसकी बीवी को पता चल जाता है कि ये लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जिसके बाद सड़क पर ही आराधना को गाड़ी से निकाल कर आसपास के लोगों को बताती है कि ये वही लड़की है जिसका कल वीडियो वायरल हुआ। जिसके बाद आराधना परेशान होकर रोने लगती है और रियांश से अपने प्यार को लेकर कोसने लगती है। जिसके बाद वहां पुलिस आ जाती है और सबको वहां से जाने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी ओर आराधना को रात में घर आते वक्त चक्कर आ जाता है और वो सड़क पे ही गिर जाती है। वहीं पास में रियांश भी सड़क पे लड़ाई करता भी देखा जाता है, जहां उसके ऊपर दो गुंडे हमला कर देते हैं और वो सबके साथ लड़ता दिखाई देता है। बाद में रियांश को पुलिस पकड़ लेती है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने घर पर पहुंच गया। जिसके बाद में अपनी माँ को पहली बार कादंबरी देवी नहीं बल्कि माँ कहकर बुलाता है, और साथ ही ये भी बताता है कि आराधना सहानी ने उसे धोखा दिया और रियांश बहुत दर्द में है। साथ में ये भी बताता है कि वो वीडियो उसने नहीं वायरल किया बल्कि किसी और ने वायरल किया। जिसके बाद उसकी माँ उसे समझाती है और फिर अपने पीआर को बुलाती है, जिसे कादंबरी देवी ने न्यूज लीक करने के मामले में निकाल दिया था। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी रियांश आ जाता है और वो अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है कि वो धोखेबाज से बात कर रही है जिसने उनके घर की खबर बाहर निकाली। लेकिन असल में कादंबरी देवी ने उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए बुलाया था और रियांश के सामने उसकी पोल खोल देती है और उसे भगा देती है। जिसके बाद आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मयंक को विक्रम पकड़ लेता है और टीवी पर लाकर उससे सच बुलवाता है, साथ ही माफी भी मंगवाता है। जिसके बाद रियांश को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिसके बाद वो आराधना से मिलने पहुंचता है और फिर शुरू होता है वो दिन जहां आराधना अपनी दोस्त को कहानी बताते हुए शो की शुरुआत करती है। यानी शो 6 महीने पीछे चल रहा था, अब शो करंट टाइम पे पहुंच गया है। आज के लिए इतना ही। बरसाती के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज़ भारत।